झारखंड प्रदेश का पहला जिला स्तरीय ऑक्सीजन प्लांट लगाने का गौरव खूंटी जिला को प्राप्त हुआ है। कोरोना संक्रमण के संकटकालीन दौर में जब चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की जान पर आफत बनी, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए खूंटी जैसे आदिवासी बाहुल्य जिले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के सहयोग से प्रदेश का पहला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया। जिले के कोविड केयर सेंटर के प्रत्येक बेड को ऑक्सीजन पाइपलाइन से जोड़ा गया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा झारखंड के लिए 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत जल्द ही ये रियाद से झारखंड पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ये घोषणा खूंटी में लगे नए ऑक्सीजन प्लांट के ऑनलाइन उद्घाटन के अवसर पर कही। कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा दिल्ली से ही झारखंड के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह राज्य के लिए कुछ और स्वास्थ्य उपकरण के लिए कोशिश कर रहे हैं। अपने लोकसभा क्षेत्र खूंटी में ऑक्सीजन की उपलब्धता ससमय सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। कोरोना महामारी के समय झारखंड में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले यह पहला जिला बना। रिकॉर्ड समय में प्लांट की स्थापना के लिए उन्होंने खूंटी जिला प्रशासन को बधाई दी। अर्जुन मुंडा ने अपने सांसद निधि से MCH अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया है। ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 5000 लीटर प्रति घंटे की है। साथ ही इसके अधिष्ठापन से जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का बेहतर चिकित्सीय उपचार सुनिश्चित हो सकेगा। अस्पताल में सभी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड व 10 ICU बेड व अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने आशा व्यक्त किया है कि संक्रमित मरीजों को ससमय स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक सफल कदम होगा। जान को बचाने के लिए इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया और जैसे हम सबको जानकारी मिले कि प्रदेश का यह पहला जिला है जहां ऑक्सीजन प्लांट लगाने में इस तरह का जिला प्रशासन ने सफल हुआ है, तो इसके लिए मैं जिला प्रशासन के लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूं। और इस सराहनीय कदम से निश्चित रूप से खूंटी जिला सहित आसपास के ऐसे क्षेत्रों से आने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिससे कि वो कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में अपना जीवन बचा सके और उसमें बहुत उपयोगी सिद्ध होगा यह प्लांट। तो आज जैसे हम सब जानते हैं कि इस समय में देश का अधिकांश क्षेत्र वैश्विक महामारी के प्रकोप में है, जहां हमें इस प्रकोप से लड़ने के लिए हमारे चिकित्सक लगे हुए हैं, हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी लगे हुए हैं और ऐसे सामाजिक संगठन सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग लगे हुए हैं। वहीं आमजनों से मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से भी यह आह्वान करूंगा कि सतर्कता इस बीमारी का सहज उपाय है। हम संवेदनशीलता रखें और सतर्कता बरतें। हमारे जो कोविड के कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उस कोरोना के प्रोटोकॉल को अनुपालन करते हुए लोगों के साथ दूरी बनाए रखें, हाथ सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें और लगातार कोशिश करें कि हम इस बीमारी से बचने के लिए स्वयं को कैसे बचाएं। लीटर का ऑक्सीजन प्लांट यहां पर लगाया गया है जिसकी कैपेसिटी हम लोगों ने इंक्रीज करवाई है, तो 10,000 लीटर का प्रेशर बराबर का हमें यहां से मिल रहा है। हम इसे 40 से 50 बेड को कार्यरत कर सकते हैं और 24 आवर। यहाँ पे 5 KVA का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए था, उसके लिए हम लोगों ने सोलर प्लांट 25 KVA का लगाया है, तो पावर सप्लाई में अनइंटरप्टेड रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और जितने भी यहाँ पे बेड हैं सबको हम लोगों ने पाइपलाइन से कनेक्ट कर दिया है, तो ऑक्सीजन की कमी कहीं भी नहीं रहेगी। एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा पहल है जिसका उद्घाटन आज माननीय केंद्रीय मंत्री सह सांसद द्वारा किया गया, जिसमें माननीय विधायक लोग नीलकंठ मुंडा जी भी प्रेजेंट थे। और हमको लगता है कि आने वाले समय में ये खूंटी जिले के लिए गेम चेंजर होगा। एवरीवन, यू हैव नेवर नोन, वेलकम टू अ जर्नी यू हैव नेवर इमेजिनड, वेलकम टू अरेबिया सऊदी। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।